चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं लवली एबेल द सीरीज एपिसोड 6 के स्पॉइलर के बारे में। पर उससे पहले एपिसोड 5 का एक क्विक रिव्यू हो जाए, जिसमें हमने देखा था सेंगते और उसके भाई सेंगताई से अपने अजीब फीलिंग्स के बारे में पूछने आता है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि सेंगताई अपने सोलमेट से मिल चुका है और सेंगताई उसको ये भी बताता है कि सेंगतेयान को प्यार हो गया है। फिर अगले दिन फात सेंगताई को ऑफिस लेकर जाने के लिए आता है, जिससे सेंगताई को बहुत ही खुशी होता है और यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे से अपना फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज करते हैं ताकि वह दोनों एक दूसरे के टच में रह सके। फिर जब फात सेंगताई को लेकर अपने कार से जा रहा था, तभी सेंगताई फात से कहता है कि उसने जो इतने पेशेंटली सेंगताई के साथ 2 सालों तक बात किया है, इसका भरपाई वो अब फात को कर देगा। सेंगताई की ये बात सुनकर फात अभी के लिए सेंगताई का हाथ होल्ड करना चाहता था, जिसके लिए सेंगताई भी मान जाता है। फिर फात सेंगताई से पूछता है कि क्यों उसने इन 2 सालों में फात से बात नहीं किया। तो सेंगताई कहता है उसके मॉम डैड भी सोलमेट्स थे, पर उनका डिवोर्स हो गया, इसीलिए उसको सोलमेट वाले प्यार से डर लगता है। फात सेंगताई की बातों को अच्छे से समझता है और उसे कहता है कि सभी के साथ ऐसा नहीं होता और सिर्फ सोलमेट वाले प्यार को ही ऐसी हालत होता है, ये भी सही बात नहीं है। तो सेंगताई भी फात के बातों को समझ कर फात के साथ कोऑपरेट करने का वादा करता है और इतने वक्त में फात और सेंगताई सेंगताई के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर पीबो और बाकी कुछ स्टाफ फात को सेंगताई के साथ देखकर उसको टीज करते हैं। फिर हम देखते हैं सेंगताई कैफे पर अपना काम कर रहा था, जहां पर वो सेंगताई से मिलने आती है और सेंगताई वो को अपने सोलमेट फात के बारे में बताता है। तो वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहां पर लव फोन आता है और सेंगताई के साथ एक ही टेबल पर बैठ जाता है और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाता है, जिस वजह से सेंगताई को फात की आवाज़ सुनाई देता है और फात उसको डिनर पर जाने का इनवाइट करता है। पर सेंगताई फात को अपने पापा के रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है, जहाँ से आते वक्त रास्ते में फात सेंगताई से पूछता है कि क्या उसके पास्ट इंसिडेंट के बाद भी अब वो सोलमेट वाले प्यार पर भरोसा करता है। तो सेंगताई फात के हाथ पकड़ लेता है और कुछ ऐसा करता है जिसका मतलब ये था कि वो ट्राई करना चाहता है, पर वहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो जाता है। तो सेंगताई फात को अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर वाई मिस्टेक फात सेंगताई को नेकेड देख लेता है, जिस वजह से दोनों ही शाय फील करते हैं और दोनों को ही दिल की धड़कने बढ़ जाता है। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे फात रात को सेंगताई के घर पर ही रुकता है और अगले दिन फात फिर से सेंगताई को लंच पर लेकर जाता है, जहाँ पर फात सेंगताई का हाथ पकड़ कर उससे कहता है कि वो चाहता है सेंगताई डोई माई प्लियांग पर जाए, पर शायद फात अपने साथ सेंगताई को कहीं पर लेकर जाना चाहता होगा, क्योंकि उनका रिश्ता अभी बहुत क्लोज हो चुका था और सेंगताई ने तो पहले ही कहा था कि उनको धीरे धीरे एक दूसरे को जानना चाहिए। तो फात यही कोशिश कर रहा है कि वो सेंगताई को और अच्छे से जान पाए, जिससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और सेंगताई भी फात को पसंद करता है और वो भी फात के साथ ही रहना चाहता है, इसीलिए तो वो फात को अपने पापा से मिलवाने लेकर गया था। इधर सेंगतेयान को जब से पता चला है कि उसे लोमफोन से प्यार हो गया है, तो वो तो किसी अलग दुनिया में ही रहने लगा है और लोमफोन के साथ एक ख्याली दुनिया बना रहा है, जिस वजह से वो अब लोमफोन से गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से बात करता है। फिर हम ट्रेलर के एक सीन देखते हैं, जहाँ पर फात हाफ नेकेड था और कुछ कर रहा था, जिसको सेंगताई रोकने की कोशिश करता है और सेंगताई का पैर फिसल जाता है और सेंगताई फात के ऊपर गिर जाता है और वह दोनों बहुत ही क्लोज थे एक दूसरे के। तो मुझे लगता है ट्रेलर का ये सीन हम एपिसोड की शुरुआत में ही देखेंगे, क्योंकि तभी फात सेंगताई के घर पर था। ओके गाइस, इस स्पॉइलर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बीएल स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।